महीनों की देश भर में करी गई खोज के बाद हमने ढूंढ निकाले वो 12 परफॉर्मर्स जिनमें है सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर। बारह में से 6 ने कल रात हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। अंगीना क्यों तोड़ी ना मेरे भूखो करीना क्यों भाई थे। Oh my God, you are so good. मैं दिल से चाहूंगा कि आप एक्स फैक्टर जीते। इतना ही नहीं, कल रात हिंदी फिल्मों के हॉट शॉट फिल्म मेकर करण जौहर ने एक्स फैक्टर के विनर के लिए अपनी अगली फिल्म में गाने का ऑफर देकर एक्स फैक्टर के ऑलरेडी बड़े पैमाने को और बड़ा कर दिया। My privilege and honor to have a voice like that in my film. आज रात हमारा दूसरा लाइव कॉन्सर्ट जिसमें परफॉर्म करेंगे हमारे बाकी 6 धुआंधार परफॉर्मर्स। दिस इज इंडियन एक्स फैक्टर, आई लव्ड इट। ये जो आप तक आए तो ये भी तो मैं भी नहीं कह सकता। और खुलासा होगा श्रेया की टीम के सुपर सरप्राइज पैकेज का। मुंबई से ये है एक्स फैक्टर इंडिया का लाइव कॉन्सर्ट और ये हैं आपके होस्ट आदित्य नारायण। Live concert of Onida LED TV presents X Factor powered by Lava M30, duniya ka sabse bada singing show. Aur aaj bari hai baki 6 performances ki. To ab bula lete hain apne 3 judges ko. Zordaar taaliyan. Judge Guru Sonu Nigam. Judge Guru Shreya Ghoshal. जज गुरु संजय लीला भंसाली। आप हमें अब और कितना इंतजार करवाएंगे? हम जानना चाहते हैं कि वो आपकी टीम में चौथे फाइनलिस्ट कौन है। हाँ, इतने गाने हो गए, हमें बताइए कौन है आपके? थोड़ा सा इंतजार, इंतजार, सब्र, सब्र का फल मीठा हो गया। अब आप ही की बारी बाकी है। थोड़ा सा और सब्र, बहुत मजा आएगा। इट्स अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। श्रेया जी, आपने इतना सस्पेंस जगाकर हमारी उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया है। हमारे जजेस के साथ साथ पूरा देश जानने के लिए बेकरार है, लेकिन हम बेकरार हैं जानने के लिए हमारा पहला परफॉर्मर भी। तो संजय सर, आपकी टीम से सबसे पहले कौन आ रहे हैं? आज शाम को सबसे पहले मैं प्रेजेंट करूंगा सजदा सिस्टर्स को। उनका एक्स फैक्टर ये है कि वो आवाज़ें 3 है लेकिन उनकी गूंज 1 है। मैं गुजराती हूँ और वो भी गुजरात से हैं और मुझे लगता है कि वो गुजरात का बिल्कुल ही गर्व है वो। लेट्स वेलकम सजदा सिस्टर्स। मैं शिवरंजन। मैं अनीता पंडित हूँ। और मैं रेखा रावल हूँ। और हम हैं सजदा सिस्टर्स। पूरा फैमिली हमारा जो है म्यूजिक में ही है। मेरे पापा बहुत ही अच्छे सिंगर थे। बहुत कम उम्र में उनको हार्ट अटैक की वजह से वो चल गए और पूरी जिम्मेदारी मैं, रेखा और मतलब मेरे भाई है बड़े, तो उन पे आ गई। हमारी गुजरात की एक परंपरा है कि लेडीज़ पीछे जेंट्स फर्स्ट। तो हमारे फैमिली में, पंडित फैमिली में मेरे पापा थे जो बहुत अच्छा गाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आज हमारा फैमिली भी एक सजदा सिस्टर के नाम से मतलब जुड़ेंगे या पहचाने जाएंगे। सजदा सिस्टर्स आर गुजराती बहन्स हु कम फ्रॉम अहमदाबाद बट दे आर वंडरफुल सिंगर्स। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद है, वो तीनों की अलग अलग किस्म की आवाज़ है।
तो उनके पास मैंने हेलन जी का कैबरे गवाया है. पहले बहुत रेजिस्टेंस था कि हम ये कैसे परफॉर्म करेंगे, बट दे आर साउंडिंग लाइक आई थिंक एब्सोल्युटली फैबुलस. सजदा सिस्टर्स, आपको मैं क्या कहूँ यार. आप लोग जब से मैंने देखा है पहली बार से, मैं तब से आपका फ़ैन हूँ. मैं इतना मिस करता हूँ कि मुझे आप मेरी टीम में नहीं है. क्योंकि मुझे आप लोग तीनों इतने पसंद हैं, आपके दिल से मैं इज्जत करता हूँ. क्योंकि आप लोग एक सिंबॉलिक हैं भारतीयता की. भारत में वो सभी औरतें जो कभी ना कभी गायिका बनना चाहती होंगी या संगीत में आना चाहती होंगी, पर अपने शादी के बाद में या बच्चे होने के बाद में उन्होंने अपने सपने को भुला दिया होगा, बिसरा दिया होगा, आप तीनों जो हैं उस भारतीयता का प्रतीक हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपके परिवार को भी, क्योंकि परिवार का सपोर्ट ना मिले तो औरतों के सपने टूट जाते हैं, एकदम बिखर जाते हैं. तो आपके परिवार को भी बहुत बहुत सलाम. सो हैट्स ऑफ यू ऑल ऑफ फैंटास्टिक. आप इतना सरप्राइज हर परफॉर्मेंस में कैसे देती रहती हैं? और अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसने हाई पार्ट गाया, किसने लो. इट्स सो वेल कोऑर्डिनेटेड. जैसे इन्होंने कहा कि तीन आवाज़ें हैं पर एक गूंज है, और सही मायने में आपने कैबरे गाना कैसे चुना इनके लिए और इसको इस अंदाज में पेश किया साड़ियों में. दिस इज इंडियन एक्स फैक्टर. आई लव्ड इट. आई लव्ड योर परफॉर्मेंस. आज की रात तुम्हें भांगी ना क्यों थोड़ी ना क्यों भुक्को करी. मतलब क्या बात है. मतलब ये जो फ्लैम्बॉयंस होता है ना, कि आपकी पर्सनालिटी गुजरात में घर में बहू के रूप में बेटी के रूप में अलग, और यहाँ स्टेज पे आके एकदम अचानक आके कैबरे गाना और इतने फ्लैम्बॉयंस के साथ. थैंक यू, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए. ऐसी दिल जीतने वाली गायकी का मजा आप ले सकते हैं सिर्फ
लावा के नए M30 म्यूजिक फोन पर, क्योंकि इसमें है SRS वाओ HD। सजदा सिस्टर्स को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF Space 07 और SMS कीजिए 5252525 पर। शुक्रिया सजदा सिस्टर्स, वेरी वेल डन। क्या शुरुआत दी संजय सर की टीम ने, और अब इनको टक्कर देने के लिए सुनो भैया, आपकी टीम से कौन आ रहा है? मुझे लगता है कि इनकी टीम ने जितना अच्छी तरीके से म्यूजिक को पेश किया है, उतने ही अच्छी तरीके से जो कंटेस्टेंट आएंगी अगली, जो मेरी टीम से हैं, वो उसे पेश करेंगी, ये पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि उनका एक्स फैक्टर उनकी सादगी और उनकी सिंसेरिटी है। एंड नर्वस थी पहले उनको हिंदी भाषा में कमांड का प्रॉब्लम था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो रही हैं। आई लाइक टू वेलकम साहिती जी। जी मेरा नाम साहिती है, मैं विजयनगर में रहती हूँ। मेरा घर में माई मॉम, मेरे पापा और आई हैव ए यंगर ब्रदर। मैं अपने काम के लिए मम्मी पापा से दूर रहती हूँ, हैदराबाद में काम कर रही हूँ मैं इन्फोसिस में। दिस IT कैरियर इज़ बाई चांस, ये मेरी चॉइस नहीं है। मैं सिंगिंग इज माई फर्स्ट चॉइस। आफ्टर कमिंग टू एक्स फैक्टर मैंने 3 महीने के लिए छुट्टी लिया ऑलरेडी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वापस चल के वो कंप्यूटर के सामने बैठ के कोडिंग करना है, इसीलिए मैं एक्स फैक्टर में प्रूव करके एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ। एक्स फैक्टर लो तन सेलेक्ट अयिनाक मैं चाला हैप्पीगा फील अय्यामु। టాప్ 12కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మాకు బాగా నమ్మకం ఏర్పడింది, ఇంకా ఎలా అయినా సరే తను టాప్ 1గా చూడాలని మా కోరిక। साहिती बहुत तैयार है, बहुत मेहनत की हुई है उसने, सीखी हुई लगती है मुझे पूरी आवाज़ में उनकी, बहुत मुर्खियाँ अच्छी हैं, फील बहुत अच्छा है। ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें, ओनली वो कुछ नोट्स थे उसको थोड़ा बताने में वक्त लग गया। गाना मुश्किल है, जिया जले उसमें लास्ट में जो हरकतें हैं लता बहन लिए हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। धुआं चले उंदरी दंजी कुंजी क्यों मुंदरी मुत्तल जिंदी क्यों मंजली वरुण चुंदरी वावे तां दिन नक्क तकदी मी आडुं तंगनी लावे होई उंदरी दंजी कुंजी क्यों मुंदरी मुत्तल जिंदी क्यों मंजली वरुण चुंदरी वावे तां दिन नक्क तकदी मी आडुं तंगनी लावे जिया जले जान जले नेनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकीरे जिया जले जान जले नेनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकीरे जिया जले जान जले।
That was a very bagundi performance. बहुत 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 खूबसूरत और मुझे ये बहुत बड़ा सरप्राइज दिया आज आपका जो गेटअप है आपका लुक है यू लुकिंग सो प्रिटी आई कांट टेल यू आपकी आवाज़ में मुझे वो खनक दिखती है जो आपकी मुर्कियाँ होती है वो बहुत तेज़ और वो हमें ज़्यादा सुनने नहीं मिलता है यहाँ पे इस तरह के मंच पर सो दैट इज़ योर एक्स फैक्टर यू हैव अ वेरी प्रिटी वॉइस इट वॉज अ गॉर्जियस परफॉर्मेंस पहली बात मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है दूसरी बात आपका जब मैंने वो क्लिपिंग देखा तो जब आप वहाँ बैठी थी बिना मेकअप के ऐसे ही कुछ गा रही थी हवा में तो इतनी खूबसूरत लग रही थी आप सो यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल टू नंबर थ्री आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर दिस ऑन दिस शो क्योंकि मुझे लगता है कि ये साहित्य थोड़ी सब पे भारी पड़ सकती है ये मेरा मानना है और चौथी बात आप मुझे ये बताइए कि आपने जब पहली बार जिया जले सोनू जी के लिए गाया मेंटोरिंग सेशन में तो क्या हुआ एंड में जो है जिया जले जान जले सर ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशंस बताया जान जले दिस वाज हिज एडिशन एंड फील हाउ टू फील द सॉन्ग एंड हाउ टू टेक द ब्रेथ कंट्रोल ही टॉट मी एवरीथिंग एंड आई टुक एवरीथिंग इनटू माय माइंड एंड आई प्रैक्टिस्ड साहित्य याद रखना You still have to learn a lot more from him. Yes, sir. He has so much to give. So God bless you and keep doing well. भले ही आपकी तारीफ कर दी हो श्रेया ने संजय जी ने लेकिन आपके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहूँगा जैसे किसी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है तो उससे हम अच्छी चीज़ भी एक्सपेक्ट करके खुश नहीं होते ना तो आपका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है सो नेक्स्ट टाइम इवन बेटर ऑल द बेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साहिति साहिति आज आपने इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया कैसा महसूस कर रही हैं आप पहले मैं बहुत नर्वस थी परफॉर्म करने के समय भी थोड़ा सा नर्वसनेस है बट आई विल ट्राई टू ओवरकम दैट एंड ट्राई टू गिव माय बेस्ट इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस साहिति को वोट करने के लिए टाइप कीजिए एक्स एफ स्पेस 08 और एसएमएस कीजिए 525 पर ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच श्रेया जी आपकी टीम से कौन आ रहा है मैं अपनी टीम से जिसको बुलाने जा रही हूँ वो मेरी टीम का सबसे शैतान बंदा है और जितनी उसकी शैतानी होती है वो उतना ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग और इमोशनल बंदा है मेरा बहुत ही चहेता जिसकी आवाज में वो नमक है द वेरी वर्सटाइल गीत सागर मैं गीत सागर और मैं हूँ ग्वालियर से मैं एक रेडियो जॉकी रहा 2.5 साल तक फिर दिल ने कहा कि यार गाने के बिना जिंदगी नहीं चल सकती मैंने अपना जॉब छोड़ा और अब मैं कंप्लीटली गाने को डेडिकेटेड हूँ एक समय ऐसा भी आया जब मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डाउटफुल हो गया जब से मुझे लगा कि इसका भी रुझान संगीत की तरफ हो रहा है मैंने कभी इसे मना नहीं किया लेकिन दिल ही दिल में मुझे एक डर था कि पता नहीं कब तक अपने जीवन में ये अचीव कर पाएगा कुछ भी ग्वालियर की महारानी साहिबा प्रियदर्शनी राजे जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बहुत सारे शोज में वो एज अ गेस्ट आई हैं और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है Our wishes are always with you and looking forward to seeing your name being called out as the winner. और मुझे मालूम है क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है तो सारा ग्वालियर ऑटोमेटिकली साथ है अब जब मैं टॉप 12 में हूँ तो मेरी मेंटर हैं श्रेया घोषाल जी हैविंग हर एज अ मेंटर आई थिंक ये लकी लोगों के साथ ही होता है गीत सागर इज माय वर्सटाइल गाय उसके साथ मैं कितना भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ गाने में और बस मैं वो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहता हूँ मैं अच्छा गाना चाहता हूँ छोटी सी जिंदगी गहरी सी जेब है बाकी तो जाने मन बातों के सेब हैं हो छोटी सी जिंदगी गहरी सी जेब है बाकी तो जाने मन बातों के सेब हैं हो बातें हैं
सब साली बातें हैं, कहते हैं फिर भूल जाते हैं। हे जॉनी, जिंदगी जुआ है खेल यार। हे जॉनी गद्दार, आज नगद फिर कल उधार। हे जॉनी, मतलब ही है असली यार। हे जॉनी, जीनेगा तो तेरा है कि नहीं। बातें हैं सब बातें हैं, कहते हैं फिर भूल जाते हैं। हे जॉनी, सब कुछ है यहाँ सेल में। हे गद्दार, सब चलता है खेल में। हे जॉनी, चढ़ जा तू भी रेल में। हे जॉनी, गीत सागर, it's a wicked performance, it is mad, it's got a terrific impact. Evil jisko bolte na, ek aadmi ne shuru kiya pehle lines se, tumne aakhri tak tumne se pakad ke rakha mera attention, tumhara pura act, tumhara pura performance uske andar, tumhara singing, the attitude that you had in it, this is what we need. Ye chahiye humko X Factor ke stage pe. Sagar ji, आप एक अलग प्राणी हो, किसी और ग्रह से आए हुए प्राणी हो, और वो बड़े चंचल प्राणी है, पंख लगा हुआ प्राणी है, जो उड़ना चाहता है, बहुत उड़ना चाहता है, वो चुपचाप बैठ नहीं सकता कहीं पर। और आपने इसके पहले गोवा में गाया था तेरा जादू चल गया, वो अलग आपका स्कूल था गायकी का, जहाँ आपने बहुत अच्छी तरीके से जो जो मैंने गाया था वो आपने पूरा का पूरा वैसे गाया, और इतना अच्छा गाया आपने। पर ये जो आपने गाया, तो ये तो मैं भी नहीं गा सकता, तो अब ये तो मेरे स्कूल से भी बाहर है। तो मुझे लगता है कि अब आपसे तो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं इस एक्स फैक्टर के दौरान। सो रियली प्राउड ऑफ यू, एंड ग्वालियर क्या, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा भारत और पूरी दुनिया से जो भी लोग देख रहे हैं वो सब आपका पूरा पूरा साथ दें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बिफोर श्रेया सेज एनीथिंग, मैं ये कहूँगा कि यू आर वेरी लक्की टू हैव हर, अ मेंटोर लाइक हर, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम डीप डाउन शी लव्स यू। उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए जो एक 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 है ना कि उम्मीद है कि बहुत बदमाश है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन अंदर बहुत कमाल का सिंगर अंदर बैठा है उसके अंदर, ये अभी मुझे बता रही थी। तो यू आर वेरी लकी टू हैव हर एंड शी इज़ वेरी लकी टू हैव यू। जोरदार तालियां। थैंक यू मच। इतने कम पैसे थे आपके पास और लाया आपके लिए, बोला आप अमीर रहे, अच्छे रहे। गीत, ग्वालियर की महारानी आपको सपोर्ट करती हैं, और किसका सपोर्ट है आपके पास? तीनों जजेस मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, सारी ऑडियंस मेरा सपोर्ट कर रही है, ग्वालियर की हर हाइनेस मेरा सपोर्ट करती हैं, ग्वालियर के सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, सारे ही लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली पूरी वोटिंग नेटवर्क बिछा के रखी है। गुड जॉब।
गीत सागर को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF space 09 और SMS कीजिए 525-2525 पर. All the best, गीत. Very well done. Thank you very much. Hey, Johnny! और अब वो गुड न्यूज जिसे सुन के हमारे 12 के 12 परफॉर्मर्स की आंखें पॉइंट से चमक उठेगी. एक्स फैक्टर के विजेता को मिलेंगे 50 लाख रुपए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से. वो साइन करेंगे एक ग्लोबल रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सोनी म्यूजिक के साथ, जो उनका डेब्यू एल्बम रिलीज करेंगे वर्ल्ड वाइड. और इतना ही नहीं, उनकी क्लास अपार्ट परफॉर्मेंस और उनके एक्स फैक्टर के लिए उन्हें मिलेगी टाटा मोटर्स की तरफ से एक शानदार टाटा मांजा कार. और द बिग टिकट टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, करण जौहर की फिल्म में गाना गाने का मौका. अब सुनो भैया, आपकी टीम से कौन आ रहा है? अब मेरी टीम से जो आ रहे हैं वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे गीत सागर एक कैरेक्टर है, अपने पास भी एक कैरेक्टर है. वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो उनका कैरेक्टर को मैं खुद समझना चाहता हूँ कि वो है क्या चीज़. अभी तक समझ नहीं आया मुझे वो क्या है. एक तो वो है तो बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की, वो कपड़े पहनती है, उसके हाव भाव लड़कों वाले हैं पूरे. और जब वो गाती है तो लगता है कि कोई ऐसी लड़की गा रही है जिसने सिर्फ बचपन से और अभी तक लता भाई को अपना आइडल माना. ये नेचुरली एक्स फैक्टर से सुसज्जित आई हैं, हमारे बीच में आ रही हैं सीमा झा, एक्स फैक्टर सुसज्जित. मैं 17 साल की हूँ और मैं दिल्ली से हूँ. मैं लड़की हूँ जैसे कपड़े नहीं पहनती, मुझे पॉश लुक मुझे बहुत पसंद है. सीमा बचपन से ही बहुत नटखट है और गाने का शौक बहुत था उसको. सुबह उठती है तो योगा वगैरह करती है, भाई बहनों के साथ छेड़खानी करना, उसको मार देना, उसको रुला देना, गाना गा के उनको फिर चुप करा लेना, ये चीज इसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है. सीमा के साथ मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है. 16 बरस की बाली उम्र का सलाम जो गाना उसको दिया मैंने, वो भी यही सोच के दिया था कि बिकॉज उनकी आवाज में एक नेचुरल लता भाई का टेम्बर है. जहाँ जैसे जैसे आप लो नोट में आए माइक नजदीक आता रहे. ए प्यार तेरी, अब अगर आप इसमें करोगे तो ये स्पीकर फट रहा है. एक्स फैक्टर में टॉप 12 में मैं, मेरे ख्याल से मैं सबसे ज़्यादा छोटी हूँ. छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लोग भी जब मेरा गाना सुनते हैं तो उन लोगों को भी, वो लोग भी डर जाते हैं कि बम है तो मुझे वो दिखाना. वैसे भी सोनू निगम जी की टीम में हो तो मुझे तो ये दिखाना ही पड़ेगा.
जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम, है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम 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 सीमा जी, आप कमाल हो और ऐसा गाना चुना जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, तो सोनू जी को सलाम, बहुत ही खूबसूरत गाना चुना। और तुमको मैंने एक बात शायद ऑडिशंस के लिए कहा था, ये छोटा पैकेट धमाका है, ये तुम्हारा एक्स फैक्टर है, तुम्हारा कमाल, तुमको देख के लगता नहीं कि ये आवाज़ निकलेगी गले से, फैंटास्टिक। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी सोनू जी, आपने मेंटर किया या कैसा लगा आपको, या वो मेंटर ज़्यादा कर रही थी, कैसी है ये मुझे मेंटर करती है देखते संजय जी क्या बोलते पहले, अभी पहले तो मैं तो देखूँ पहले जो दूसरे गुड़ी जन है क्या बोलते हैं। सीमा जी, आप मुझे बहुत पसंद हो पहली बात, और आपसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि आप लता जी को फॉलो करती है, मेरे लिए लता जी भगवान के बराबर है। तो मैं आपको बताऊं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा था कि मुझे इस किस्म की सिंगिंग बहुत पसंद है, तुमने कहीं कहीं जगह ऐसी गाई जो मुझे आजकल सुनाई नहीं देती, वो जगह वो स्टाइल सुनाई नहीं देता, वो मेरा दिल करता है कि मैं तुमको और तुम्हारे सिंगिंग को मैं भी सलाम करूँ। और सोनू जी बोले उसके पहले मैं एक और बोलूँगा कि ये जो गुलाब है ना ये मैं तुमको देना चाहता हूँ, इसलिए रुको, ये गुलाब जो है ये फूल जो है वो लता जी के लिए है, अगर उसमें कांटा होगा वो तुम्हारे लिए, जितना चुभेगा जितना जिंदगी सिखाएगी उतना सीख और बुलंद और आर्टिस्ट बनेगी। बहुत बढ़िया, समझ गए, आ जाए सीमा, लता जी जो है ना हमारी साक्षात सरस्वती माँ, वो भी एक्स फैक्टर को बड़े चाव से देखती हैं, उन्होंने मुझसे उस दिन आधा घंटा बात की थी और फिर उन्होंने इंटरनेट पे भी डाला था कि वो हमारे शो को बहुत पसंद करती हैं, और उसके बाद मुझसे बात की और मुझे सब बताया, उसी दिन आपका एपिसोड भी आया था और उन्होंने आपकी गायकी सुनी थी और बहुत पसंद की थी, सबका काम पसंद किया, इनफैक्ट पूरा शो को वो बहुत मज़े से देखती हैं। तो आपने जो आज गाया है और जो संजय जी ने इतने प्यार से उनके बारे में कहा है, मेरे ख्याल से ये संदेशा उन तक पहुंचा होगा और उनको लगा होगा कि हाँ वाकई में यहाँ कुछ उनके सच्चे भगत बैठे हुए हैं सबके सब। बिल्कुल। बाकी सीमा, आप मेरी टीम में हैं और मैं आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं कहूँगा, आप अच्छा गाती हैं और जो मैंने साहिति को कहा था मैं एग्जैक्टली वो कहूँगा, अपने पोटेंशियल को खुद पहचानो, बार बार आके मैं तुमको दस्तक नहीं दूंगा, जब ठीक करना है तो तुम्हारे अंदर से आना चाहिए वो चीज़, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लक्ष्य जीतने हारने का नहीं है, लक्ष्य है कि सीमा झा की सच्ची कला को अच्छी तरीके से लोग देखें और पहचानें, तो ये तुमको करना है, तुमने बहुत अच्छा गाया पर तुम इससे अच्छा और गा सकती थी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट सीमा। क्या किया आपने? बस अभी तक तो गाना ही नहीं नहीं, ये आपने ऐसा क्यों किया बताइए मुझे, कि सोनू भैया से आपने वादा किया था कि आप अपना पागलपन नहीं छोड़ेंगी। हाँ, ये आपने, बहुत शरीफ, आपने वादा तोड़ दिया, आप इतनी सीरियस हो गई, इतनी सीमा के बारे में क्या कहूँ मैं, है थोड़ी भाई टाइप्स जैसी, मस्ती बहुत है उसमें,
हम जो भी स्टेप्स करते हैं, चाहे वो पीयूष के लिए हो या साहित्य के लिए हो या किसी के लिए भी, उसको वो सीखना ही है. है थोड़ी मस्ती मजाक, थोड़ा ऐसे जान है उसमें. काम के साथ काम, मस्ती के साथ मस्ती, बहुत है. क्या शाबाश. अभी आपकी मम्मी ने संदेशा भेजा है, पता है ना, एक फियर लेटर भेजा है, क्योंकि हमें पता है कि आपने अपने भाइयों अपने बहनों को बहुत धोया है, बहुत पीटा है. तो प्रश्न ये है कि यहाँ पे जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो सुरक्षित हैं? आपने अब तक वो नाक पोछनी, मुझे बहुत डर लग रहा है. तो आपने अब तक किसी को डिशुम डिशुम तो नहीं किया है ना? अभी तक तो नहीं किया अभी तक. तो अपनी मम्मी को कुछ बोल दीजिए, कोई संदेशा भेज दीजिए. मम्मी आप हमेशा मेरे साथ रहती थी अभी तक, लेकिन अभी आप मेरे पास नहीं हैं. पर अभी अगर आप मेरा परफॉर्मेंस देख रही हैं तो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं बहुत आगे बढ़ूं और जो जजेस चाहते हैं मैं उनकी उम्मीद पर कायम रहूं. थैंक यू सीमा जी. इन बातों में बहुत सीरियस. सीमा को वोट करने के लिए SMS कीजिए XF space 10 और भेज दीजिए 525-2525 पर, वरना ये फोटो लेंगे. और अब आने वाला कोई तूफान है. सॉरी आने वाले दो तूफान हैं जिनमें से एक का नाम तो मैं इस शो का होस्ट भी नहीं जानता, क्योंकि श्रेया जी. देखिए कौन है श्रेया जी का चौथा छुपा रुस्तम इस ब्रेक के बाद. संजय जी, अब अपनी टीम से आप किसे बुलाना चाहेंगे? आदित्य, मेरी तरफ से अभी आ रहे हैं निर्मिती ग्रुप. इनका एक्स फैक्टर ये है कि जैसे श्रेया जी के पास गीत सागर है जो पागल है आधा, जो सोनू जी के पास सीमा है जो आधी पागल है, और निर्मिती ग्रुप है जो पूरी पागल है. मुझे वो इतने कमाल के सिंगर्स हैं, उनका एक्स फैक्टर उसमें भी है कि वो बहुत इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है, हर गाने को अपने तरह से इंटरप्रेट करते, अपने इमेजिनेशन से अपना एक इंटरप्रिटेशन देते उसको, और उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग एज अ ग्रुप बहुत कमाल की है. सो प्रेजेंटिंग निर्मिती. मेरा नाम ज्ञान है. मेरा नाम रंजना है. मेरा नाम सिद्धार्थ है. और मेरा नाम है प्रणीत. हम है निर्मिती. हम चारों एक साथ मुंबई यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में मिले थे. रियान एक्चुअली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं. ही वाज द वन हु थॉट अस एवरीथिंग, लाइक यू नो कैसे परफॉर्म करने का रहता है, गाने को कैसे एंजॉय करने का रहता है. पहले ये लोग बहुत शांत रहते थे, पर अब हम साथ में मिलकर बहुत मस्ती करते हैं. इतने दिन साथ रहकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कमाल की हो गई है. गाला राउंड में आया है तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे तक जाएंगे. All the best निर्मिती ग्रुप. संजय सर के साथ हम काम करने में काफी कंफर्टेबल रहेंगे ऐसे में लग रहा है. निर्मिती इज सिंगिंग चोली के पीछे क्या है, बहुत ही रॉन्ची ट्रैक फॉर अ ग्रुप दैट नॉर्मली सिंग्स रॉक एंड पॉप एंड ऑल दैट. उन्होंने खुद का इंटरप्रिटेशन किया जो निर्मिती इज वेरी गुड एट. दे आर एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मर्स. उनके ऊपर ज्यादा इतना काम करना पड़ा नहीं. अभी टॉप 12 पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि निर्मिती का असली निर्माण अब होगा. चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे,
चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। शादी करा दो, डोली सजा दो मेरी, डोली सजा दो, डोली सजा दो मेरी, डोली सजा दो, सौतन बनाना जाए, जोगन बनाना जाए, जोगन सहाना जाए, क्या करूं क्या करूं, है छोरी रिंग 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 ring 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 mira lo que miro solamente tú lo digo que la parte caminando con las calas perdiendo y ella vengo necesitando el que siempre ha tratado group. What a performance! Lovely. अभी तक मैंने निर्मिती को बहुत coordinated harmonies and innovation हमेशा आप में था, पर आज तो कुछ और ही रंग दिखा आपका. I think it's a very interesting performance. आपने हर तरफ से उसमें कुछ नई चीज डाली, तो kind of credit goes to the mentor संजय जी. Fantastic. ये गाना किसने सोचा था गाना गाने के लिए? Whose choice was this? कि गाना Sir's choice. I still remember when Sir just told us चोली के पीछे गाओ, we were like चोली के पीछे? नहीं, मुझे वो देसीपन नहीं चाहिए. Go mad, go whatever you can do it. अपने अंदाज में मुझे गाने बताओ, कैसे गा सकते दिखाओ. Started. This was the first reaction when he like. कुछ टाइम के लिए मैं भूल गया था कि संजय भंसाली डायरेक्टर बैठे हैं हमारे साथ में. निर्मिती ग्रुप, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, फ्रैंकली इसलिए मैंने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया है. आप अच्छे थे हमेशा, लेकिन आपने जिस तरीके से वहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं और उसके बाद में आपने जो लगातार परफॉर्म किया है और स्टेप्स भी किए, डांस भी किया और साथ में रैप किया, वेल कोऑर्डिनेटेड हार्मनीज अच्छी अलग किस्म की, उसके बाद आपने ट्रांजिशन किया नोट का, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे म्यूज़िक सुनने में. इसको आप बरकरार रखना, क्योंकि ये ही एक्स फैक्टर को सारी दुनिया से अलग करके खड़ा कर देता है और ये एक्स फैक्टर आपके अंदर में है. कीप इट अप. थैंक यू सर. लव इट. पहली बात तो ये बताऊं कि अगर आप लोग मेरा ग्रुप नहीं होते तो मैं आपको वंस मोर कहता. और तुमने जो मेरी नकल उतारी है ना, हाँ. वो मैं तुमको तुम अगले सेशन में आओ तुम. बट एनीवे आई थिंक जस्ट थिंक फैबुलस, गॉड ब्लेस यू. Just be as mad as you all are, because उस पागलपन में तुम्हारा आर्ट है. So love you. निर्मिती के लिए तालियां हो जाए. जोरदार तालियां. आप बाल कहाँ कटाते हैं बताइए ना, मुझे भी जाना है. ये कटाए तो ना. कटाए कहाँ है? बाल कटाए का बनाए हैं. डेकोरेशन है, ऐसा लगता है कि फेस पे दिवाली है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप गानों के अलग अलग वर्जन करते हैं, तो एक बहुत पॉपुलर गाना है जो अभी अभी 2011 में रिलीज हुआ है, मैं चाहता हूँ आप इसका एक वर्जन बनाएं अपना टाइम लेके. गाना है नानी तेरी मोरनी को, आता है ना, मोर ले गए, हाँ, सुना है. बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. कूल. हाँ चलिए, वो डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा छोटा सा. गाना भी चुन के दिया. God bless you. Okay, ready? क्या बात है? Check. नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. So here goes, one, two, three, go.
तेरी मौनी को मोने गए बाकी सब बचाता सारे चले गए नानी तेरी मौनी को मोने गए बाकी सब बचाता काले चले गए थैंक यू क्या बात है यार निर्मिती को वोट करने के लिए टाइप कीजिए XF स्पेस 1111 और SMS कीजिए 5252525 पर शुक्रिया निर्मिती ग्रुप जोरदार ताली श्रेया जी नमस्ते नमस्ते अब तो बता दीजिए अपने चौथे परफॉर्मर का नाम अभी नहीं बताएंगे तो आप ऐसा लग रहा है कि अब सेकंड सीजन में बताएंगे आप नहीं उतना नहीं आपको इंतजार कराऊंगी अच्छा चलिए अब थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको यूजुअली इस उम्र में लोग पेंशन प्लान्स करते हैं पर ये ऐसे हैं जो अपने पैशन को रियलाइज करने का प्लान्स करते हैं यूजुअली इस उम्र में लोग रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं पर ये हैं जो ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है पर लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा पूरा नहीं आ रहा है चलिए बाकी इधर देख लीजिए आज सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट शायद लगता है मुझे आज मुझे एक अपना चौथा कंटेस्टेंट ढूंढना है मैंने तो सोच लिया है कि कौन है बस अब रिवील करने की बारी है आई होप आई एम मेकिंग द राइट चॉइस फिंगर्स क्रॉस्ड अभी ना जाओ छोड़ कर नमस्कार हमारी टीम बन चुकी है जी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक जगह खाली है तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप मेरे टीम में हैं क्या ये सच है क्या आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ नहीं बेटे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है थैंक्स अ लॉट टू यू थैंक यू मैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरी बेटी ने मुझे चुना उनकी आवाज में ही वो मेलोडी है सॉफ्टनेस है रोमांस है दर्द है और definitely he represents X factor for me. एक बार जोरदार ताली हो जाए के लिए। कर्तार सिंह जी नमस्ते नमस्ते एक बार फिर आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो सर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मैं जी पूछिए X factor के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए थे अभी X Factor के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं और आप हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स में पहुंच चुके हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप एकदम मेरे लिए दरवाजे बंद होना और एक साथ खुल जाना ये ऊपर वाले का करम है मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ आदित्य इनकी खासियत भी ये है कि ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो ये मालूम नहीं पड़ता कि ये कितने खुश हैं आपकी डिग्री खुशी की बताओ ऐसे या ऐसी वाली खुशी कौन सी वाली हमेशा तो हंसते रहते हैं आप जी हंसना मेरी फितरत है जी हाँ और खुशी मैं अपनी बता दूं मैं इतना खुश हूँ हंसना आपकी फितरत है इसीलिए देना उसकी कुदरत है वाह वाह कर्तार सिंह जी यहाँ पर इतने दमदार ग्रुप्स हैं सारे नौजवान हैं जो उम्र में वाकई में छोटे हैं उनके साथ अब आपको लड़ना है और अच्छा सिंगिंग करनी आप तैयार हैं मैं लड़ने के मूड में तो नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ करने के मूड में जरूर हूँ बहुत बढ़िया कर्तार सिंह जी को तो एकदम आखिरी पल में हीरो वाली एंट्री मिली जाहिर है सारी दुनिया हमारी तरह बेचैन है अब इनको सुनने के लिए कर्तार सिंह जी का 63 साल की उम्र में पहला लाइव कॉन्सर्ट सुनिए इस ब्रेक के बाद तो श्रेया जी आप बताइए कर्तार सिंह जी का एक्स फैक्टर क्या है हाँ आदित्य कर्तार अंकल का एक्स फैक्टर मेरे हिसाब से उनकी आवाज़ की शोखी उनकी आवाज़ में जो शराफत है वो और जो पहले ऑडिशन के वक्त उन्होंने गाया था अभी ना जाओ छोड़कर उसकी गूंज अभी तक हमारे दिलों में है सो हियर आई प्रेजेंट यू कर्तार अंकल रात न जाए तू तो न आए तेरी
याद सताए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम उनके ही हाथों हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थाम अपने कभी थे अब है पराए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए करतार साहब जी आपको देखे मुझे एक लता जी का गाना याद आता है कौन सा गाना आएगा आने वाला वाह आपकी तकदीर आपको वापस इस मंच पे लेके आई और आपने अपनी जिंदगी के 63rd साल में आपने आके यहाँ पे जादू बिखेरा आपने बहुत बहुत शुक्रिया गॉड ब्लेस यू करता सब मतलब मैं आपको गॉड ब्लेस यू बोल नहीं सकता मतलब मुझे आपके पैर छूने चाहिए लेकिन अरे, 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 लेकिन आपको सुन के सच में आई फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड दैट यू आर देयर इन दिस शो और हम इस शो के पार्ट हैं वाह बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी से मैं बात करने से पहले मैं चाहूँगा श्रेया से बात करूँ श्रेया आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे जब मोना जी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती तो आपने करतार जी को ही क्यों चुना मैं सही मायने में ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा सबसे पहला नाम और जो सबसे पहला गाना मुझे ऑडिशन से याद आया वो जो आवाज़ याद आई वो आपकी थी मैं कहना चाहूँगा श्रेया आपने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई है एक्स फैक्टर वाकई में धन्य हो गया आपके यहाँ पर आने से बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छा क्या बात है करतार सिंह जी जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए सर बड़ा मज़ा आया आपको सुन के आज इस उम्र में आकर अपने सपने को सच होते हुए आप देख रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सबसे अच्छा महसूस ये कर रहा हूँ कि मुझे संगीत की इस उम्र में आकर सेवा करने का मौका जो आप लोगों ने दिया है तो मैं बेहद खुश हूं कि मुझे आज इस प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिला सर ये जो सपना आपने देखा है वो आपने अकेले नहीं देखा है इतना हमें पता है एक खूबसूरत सी अच्छी सी जो है आपके साथ उन्होंने भी ये सपना देखा है ना जी वो सपना उन्हीं की वजह से इस सपने को मैं साकार कर पाया हूँ और वो हैं मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विमलेश यादव वो हैं तो मैं हूँ और वो हैं तो मेरा गाना है वाह क्या लव स्टोरी है करतार सिंह जी को वोट करने के लिए SMS कीजिए XF स्पेस 1212 और भेज दीजिए 525525 पर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए कल के महा इंतजार के बाद देखते देखते आज के भी 6 परफॉर्मेंसेज हो चुके हैं अब सारा दारोमदार आप पर है किस टीम को जिताने की आपने ठानी है ये आपके वोट से हमें पता चलेगा तो फौरन ये देखकर एक बार फिर सबकी वोटिंग डिटेल्स कीजिए नोट
जमाने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया फिर कल उधार सोलह बरस की बारी उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है चुनरी के नीचे दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए हर लाइव कॉन्सर्ट मुकाबले का जज्बा और तगड़ा रहे इसीलिए हर हफ्ते जज गुरुज आप चुनेंगे उस रात की बेस्ट परफॉर्मेंस तो आज क्या निर्णय लिया है आज रात की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है हम तीनों का मानना यह है कि आज जिसने सबसे ज्यादा हमारे हिसाब से प्रॉपर और परफेक्ट और एंटरप्राइजिंग जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है वो है संजय जी की टीम से सजदा सिस्टर्स तो आज के हमारे बेस्ट ओनिडा परफॉर्मर हैं सजदा सिस्टर्स और इन्हें मिलता है एक ओनिडा एलईडी आई केयर टीवी जिसमें है 99% यूवी प्रोटेक्शन और है 95% रिफ्लेक्शन फ्री तो जज गुरुज अब मैं आपसे एक चीज कराना चाहता हूँ पहली बार एक्स फैक्टर के मंच पर हमारे 12 परफॉर्मर्स ने परफॉर्म किया और फाइनल्स थोड़े दूर हैं अब लेकिन इनकी इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर और जितनी भी परफॉर्मेंसेस की हैं उनके बेसिस पर मैं चाहूँगा कि आप एक पेज पर उस एक्ट का या उस ग्रुप का नाम लिखें जो आपको लगता है कि एक्स फैक्टर के विजेता बनेंगे भरोसा है कि आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस डब्बे के खुलने का लेकिन इतनी आसानी से नहीं खोलने वाला हूं मैं ये डब्बा जो है सीधा एक्स फैक्टर के फाइनल्स में खुलेगा और वहां पता चलेगा कि हमारे गुरुओं में से किसकी भविष्यवाणी सही थी तो तब तक बाकी सबको ऑल द बेस्ट
तो मिलते हैं अगले शुक्रवार रात 9 बजे ओनिडा एलईडी टीवी प्रेजेंट्स एक्स फैक्टर पावर्ड बाय लावा M30 पर एक और धमाकेदार लाइव कॉन्सर्ट में।